यार जैसे कि आजकल बड़ी अफवाह चल रही है यूके के अंदर के यूके के हालात बड़े खराब हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना काफी रेसिज्म है, जैसा वो एक है ना वो फॉर राइट जो है, एक काफी ज्यादा लोग उठ खड़े हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो लॉ है वो इस तरह का है भाई, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने उनको पकड़ के ना, यकीन माने 5 साल से लेकर 10 साल तक उनको जो है ना वो सजाएं हो रही है इस टाइम, ठीक है। मैं आपको बता चलूँ, ये मेरा दोस्त है अली, ठीक है ना, जर्मन नेशनल है, ठीक है, और ये ई सेटलमेंट में जो है ना यहाँ पे यूके में तशरीफ लाए थे, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी इसकी जुबानी हम सुनेंगे भाई कि यूके के हालात कैसे हैं। भाई आप बताएं कि यूके के हालात बताए जा रहे बड़े खराब है, तो आप बताएं ना कि यूके के हालात कैसे हैं। हाँ, ये मैं हॉनेस्टली जो बोलूंगा सच के बारे में बताऊंगा। मैं 21 में आया था, तो 21 में तुम यकीन करो कि जब मैं अप्लाई कर लेता ना 10-15 जगह पे, तो मुझे वो तकरीबन 15 में से 10-12 की कॉल आ जाती थी कि हमारे पास जॉब है, हमारे पास जॉब है। तो ये सिलसिला चलता रहा, 22 के मिड तक ये चलता रहा। बहुत अच्छे काम थे, बहुत लाइक जॉब्स थी, बट अभी भी काम है अलहमदुल्ला। अभी भी अल्लाह का वो है कि मैं कमा रहा हूँ। आज भी अलहमदुल्ला 100+ बनाए, 100 से ज्यादा पाउंड बनाए एक दिन में। तो मगर जो पिछले वाला जो 2021 और 2022 वाला सिस्टम था, उससे थोड़ा सा यूके डाउन है, बट यूके अभी भी उन लोगों के लिए वर्थ इट है जो हार्ड वर्क कर सकते हो। ये मुल्क आपको मेहनत का वो फल देता है, बट डिपेंड करता है कि अगर आप जितनी मेहनत कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप एक हाई स्ट्रॉन्ग फैमिली से आए हो और आपकी ने कभी काम नहीं किया, तो आपके लिए ये मुल्क नहीं है। आप फीस कवर पे नहीं कर सकते स्टार्ट में। अगर जब भी आप आओगे, आपके पास 2-3 महीने का पैसे होने चाहिए ताकि आप ये बैज गाड़ी ले लो और ये मामला सीधे करो। अगर आप आते साथ आपके पास 3 से 4 हज़ार पाउंड होने चाहिए, अदरवाइज आपको टफ टाइम मिलने वाला है। और और जो कि हालात जिस तरह अभी काफी खराब है, तो आप ये बताएं कि आप कितनी गाड़ियां तब्दील कर चुके हैं इस टाइम तक, मैं अलहमदुल्ला 5-6 गाड़ियां तो अब तक तब्दील कर चुका कौन कौन हूँ। सी गाड़ी बताएं जरा। मैंने प्रियस रखी थी 2016 मॉडल, फिर मैंने एक बार रखी थी 2017 इन मॉडल। गाड़ियों की माली भी बताएं साथ ना, कि आपने एक जो प्रियस तकरीबन 10,000 पाउंड की मिल जाती है। जो मैंने एक वाली ली थी 6,500 पाउंड की एक ली थी, वो बेची है। फिर उसके बाद अगली एक वा... जब मैं स्टार्ट में आया था, मैंने पहली गाड़ी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पहली गाड़ी ली थी 1,100 पाउंड की, ठीक है। तो वो उसने मेरा सिस्टम चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी खराब होगी। फिर मैंने अगली ली 2,500 पाउंड की, फिर उससे अगली ली 3,500 पाउंड की होंडा सिविक रिबॉर्न हाइब्रिड। फिर उससे अगली जंप लगा के अल्हम्दुलिल्लाह 5,500-6,000 पाउंड वाली गाड़ी ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मर्सिडीज ले सकता हूँ अगर लेना चाहूँ तो। भाई ये आप देखें, यूके के हालात हैं कि भाई जान है 2021 से लेके अभी तक कितनी गाड़ियां डील कर चुके हैं, ठीक है ना। बाकी बस आपके लिए इतना ही काफी है कि भाई कि वो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि वो भाई कितनी गाड़ियां चेंज कर चुके हैं। बाकी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।